अच्छा, लोगों ने आपका नाम ब्लैक एंड व्हाइट रखा और आप ये मतलब काम कर रहे हो, ये क्या कर औरत में तो अकल की कमी होती, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अच्छा, लोगों ने आपका नाम ब्लैक एंड व्हाइट रखा और आप ये मतलब काम कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ये इसलिए कर रहा हूँ कि जी आजकल सिस्टम ये है कि भी काके ने बनाया गाना कि काले जे लिबास शकीन कुड़े ते दूर दूर जावे मेरे काले रंग तू, उसने तो गाना बनाया, मैंने बनाया कैप्सूल। अच्छा, आप ये बताएं कि वो मतलब आपका मार्केट में बैठे हैं, आपका बड़ा तजर्बा होगा और आपका एक्सपीरियंस भी होगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मर्द में तीन होती हैं और औरत में चार होती हैं? मर्द में तीन होती हैं और औरत में चार होती है, वो तो मर्द में तीन होती हैं और औरत में चार होती हैं। जा पूछ के आओ। इस वक्त तो मैं सोचता हूँ, वैसे मुझे पता है। अरे वाह, ये फटाकड़ी कौन है? अरे बताओ ना, क्या बताऊंगा, बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा, याद नहीं आ रहा। अच्छा, कोई भी फनी इसका जवाब दे सकते हो, कोई यानी कि ना इसमें लिमिट नहीं है? मैं तो यही कह सकता हूँ कि जी मर्द में तीन और औरत में चार, और सबसे ज़्यादा तो ये आपने पहली बात तो यही बोली है कि जी हमेशा इंग्लिश में और औरत में एक एक्स्ट्रा चीज़ ही है, वो कैसी है, जैसे वाइबल लफाज बोलने में लिखने में आते हैं, बोलने में नहीं आते, ऐसा ही है कि नहीं? और औरत के 101 है, आपने सिर्फ तीन बोला है, मैं कहता हूँ 101 चिलंतर होते हैं इसके अंदर। ओ चूना लगा दिया। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर लड़कियाँ, काली लड़की मेरे पास आती नहीं है और फिर भी कहती हैं भाई और चिट्टा हो सकता है। जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो औरत को पीछे उतार देते हैं, वो क्यों उतारते हैं? मैं बता रहा हूँ बाजी को, वो क्यों उतारते हैं? वो इसलिए उतारते हैं कि आग लगाने वाली चीज को हमेशा पेट्रोल पंप से दूर रखें। वो कौन सी चीज है जो मर्द में तीन होती है और औरत में चार होती है? मर्द में तीन होती है, औरत में चार होती है, मर्द में चार होनी चाहिए थी। अब ये अलग है, एक निज़ाम है, लेकिन आप जहन पे जोर दें, वो कौन सी चीज़ इसमें औरत बाजी मार गई है? बाजी मार गई, औरत में तो अक्ल की कमी होती थी। यो, मर्द में अक्ल में इजाफा होता है, चार में होनी चाहिए थी। अच्छा, कौन सी चीज़ है वही पता है? नहीं, नो आइडिया। अच्छा, अब ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो मर्द में तीन है और औरत में चार है? मर्द में तीन है, औरत में चार है, मेरे ख्याल वो हरूफ है। जी हरूफ है, ठीक हो गया। इसको पोलियो हो गया था, इसके अम्मा ने इलाज कराया, सही नहीं हुआ बेचारे का, अल्लाह माफ करे, ऐसा ऐसी बातें निकलती हैं इसके अंदर से। चलक, वो कौन सी चीज़ है जो मर्द में तीन होती हैं और औरत में चार होती हैं? मर्द में तीन होती हैं, औरत में चार होती है, नाम होता है। कैसे? मर्द के तीन हिस्से होते हैं, औरत के चार हिस्से होते हैं।